आज हमारा टॉपिक क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वैसे अगर आप इस टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बट हमें क्या है, हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चंस हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं, एक आध क्वेश्चन मैंने आपके देखे हैं पीवाईक्यू, उसमें आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा बहुत कुछ पूछा गया है। आउट ऑफ सिलेबस भी क्या, एक दो क्वेश्चन जैसे साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया है या कुछ इस टाइप से पूछ लिया कि उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उन चीजों को मैं आज नहीं कराऊंगी। मैं आपको आरडीटी का प्रिंसिपल बताऊंगी कि किस तरीके से आरडीटी काम करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि कोई एक प्लेट थी उसमें ये वाला एंटीबायोटिक डाला, ये वाला डाला, उसके बाद आप कौन सी प्लेट पर उसको ग्रो करोगे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे सोल्व हो जाए। मतलब हमारे ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन कहीं पर उससे अलग आता है। अब देखो आरडीटी अगर वैसे पढ़ने लगोगे, बहुत कुछ आरडीटी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको अलग 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 करनी है, बट हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, बट उन बेसिक का आंसर देने के लिए मुझे थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको बस मोल बायो का पता होना चाहिए, मोलिकुलर बायोलॉजी बहुत कम। मतलब अगर आपको 10-20% भी आती है ना, तो आपके लिए फिर ये सेशन बहुत ईजी रहने वाला है। जिनको नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे, बट ये है कि थोड़ा सा उनके लिए 10-20% ईजी हो जाएगा बस। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करूं, बच्चे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आई आपकी आरडीटी? जैसे देखो हमारे यहाँ पर इंसुलिन का एग्जांपल ले लो आप। अभी क्या है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, सबको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, तो आपको इंसुलिन बहुत ज्यादा चाहिए। अब इतना ज्यादा इंसुलिन तो है नहीं हमारे पास, तो कहाँ से आ रहा है ये इंसुलिन? तो क्या है बच्चे, मतलब कहाँ से आ रही है इंसुलिन? तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बहुत ज्यादा इसकी कॉपीज बना रहे हैं। अब देखो कैसे बना रहे हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा एक बहुत बड़ा सा जीन है, इसके अंदर यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर वो जीन है जो मुझे चाहिए। जैसे कि मान लो इसके अंदर इंसुलिन है, ठीक है, मुझे इंसुलिन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, कोई भी एक वेक्टर चूज करूंगी। वेक्टर कहाँ से मिला? मुझे मार्केट से मिला, ठीक है, जो कि जीन के अंदर कुछ जो सिमिलैरिटीज है वो इस वेक्टर के अंदर भी थोड़ी बहुत मुझे देखने को मिल जाए। मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर का यूज किया। अब ये वेक्टर क्या काम करेगा, वेक्टर जो है बच्चे एक व्हीकल की तरह काम करता है। व्हीकल मतलब कि मुझे इसको, अब देखो मैं इसको अपने हाथ पे तो उगा नहीं सकती हूँ, कहीं ना कहीं तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मेरे को ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ पर इसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि ये उग सके। मतलब उग सके मतलब ये कहीं पर, ये जो जीन है जिसके अंदर मैं, मतलब इस वेक्टर के अंदर ये जीन जो है फंक्शनल हो सके और फिर मेरा काम हो सके। तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने अब इस वेक्टर को लिया, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर ये जैसे जो भी डीएनए का जो पार्ट था, यहाँ पर ये जीन था, मान लो एक बार के लिए मुझे जीन चाहिए इंसुलिन का, ठीक है। वेक्टर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर प्लाज्मिड का। अब देखो वेक्टर को बच्चे कट करूंगी मैं यहाँ से, कट मतलब पता है कट सिर्फ आपका यहाँ पर लगता है, बट बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, अभी बताते हैं। अब मैंने क्या किया, जो वेक्टर है, ये जो मेरा वेक्टर था, आधा वेक्टर ये हो गया, आधा नहीं पूरा, और यहाँ पर ये मैंने जीन को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने जीन को इंसर्ट कर दिया। बस बेसिक बेसिक बातें सुनो अभी मेरी, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह देते हैं। ये हुई मेरी बिल्कुल सरल भाषा में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है ये जो जीन यहाँ पर इंसर्ट हुआ है ये वेक्टर को काटा गया है। वेक्टर आपका कट नहीं हुआ है बच्चे, सिर्फ आपका वेक्टर मैंने खोला है, यहाँ से खोला है। मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसे ब्रेसलेट देखे हो, कुछ ऐसे ब्रेसलेट होते हैं जिसको खोला और पहना, तो वो मतलब अगर मैं उसको थोड़ा सा और खोल दूं, जैसे कोई ब्रेसलेट होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, आपने उसको खोला और पहन लिया, तो जब आपने उसको खोला तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं कुछ और ऐड कर दूं, तो उसे हम जीन इंसर्ट बोलते हैं। पहली बात तो ये कि ये वाला जो पार्ट है कट नहीं होता। तो अगर आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा ही जाता है, जैसे आपसे कहा गया ये जो वेक्टर था आपका ये 5 KB का था, जीन जो था आपका 1 KB का था, जीन जो था आपका 1 KB का था, और वेक्टर जो था बच्चे आपका वो 5 KB का था। तो आपसे पूछा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए कितने KB का बना, तो नॉर्मल जोड़ घटा करना होता है, तो ये मेरा 6 KB का बन गया, ठीक है। ये तो हुई कुछ बेसिक बेसिक बातें।
कि इस तरीके से मैंने जीन, अब देखो अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये तो बना लिया, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी। अब ऐसा तो है नहीं मैं इसको कहीं पे हाथ पे इस इंसुलिन को काम करवा दूंगी या कहीं और काम करवा दूंगी। अब मैं इसको ऐसी जगह पर ट्रांसफर करूंगी जहां पर ये मेरा काम कर सके। तो मान लो मैंने चूज किए कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो कि इसके लिए कॉम्पिटेंट थे, ठीक है। मान लो ये मेरा एक बैक्टीरियल सेल है, मैंने इसको चूज किया। अब मैं क्या करूंगी, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये यहाँ पर मेरा जीन था, ये इधर जीन था, और मान लीजिए ये पूरा क्या है मेरा वेक्टर है, ठीक है। तो देखो मैंने इसको बैक्टीरियल सेल के ऊपर ग्रो कर दिया, ये मेरा बैक्टीरियल सेल है। अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चे, आप यहाँ पर टेक्स्ट कर देना कोई भी दिक्कत हो तो। अब मैंने क्या किया, अब ये मतलब मैंने क्या किया तो खुद ही होगा, एक मिनट। हाँ, अब मैं क्या करूंगी, मतलब इसके पास अब क्या हो गया, ये मेरा बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है मेरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को आर डीएनए भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपका डिवाइड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जो आर डीएनए मॉलिक्यूल था इसका मल्टीप्लीकेशन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसे होगा, अब देखो एक मिनट, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ आपको, जितना इजी मैं बता सकती हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी कॉपीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे करते करते आप और ज्यादा आगे देखोगे इसको, उसके बाद यही जो है आपका और टू पार्ट्स में, मतलब ये इसी का फिर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा इसी सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको और डीएनए मॉलिक्यूल्स इधर मिलेंगे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पर, और मिलेंगे। ऐसे करते करते आपको लाखों कॉलोनीज यहाँ पर मिल जाएंगी, लाखों नहीं तो हजारों में तो आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इंसुलिन बना लिया। अब देखो इंसुलिन को अगर मैंने, मतलब ये जो मेरा इंसुलिन एक तरीके से लगा लो, मेरा जो ग्रीन वाला जीन था ये इंसुलिन था। अब इंसुलिन को मैंने देखो वेक्टर का वो लेके, वेक्टर का सहारा लेके बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे ही नहीं डालते, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसे हम लोग या तो कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हम लोग हीट शॉक देते हैं। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है अब तक, फिर भी मैं बता देती हूँ, मतलब किसी और टॉपिक से कोरिलेट करके पूछा गया हो तो मुझे नहीं पता, स्पेशली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं पूछा है। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट दे दूँ या मैं हीट शॉक दे दूँ, मैं कुछ भी ऐसा कर दूँ जिसके थ्रू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो इसको लेने के लायक बन जाए, ठीक है। मेरी इतनी बात समझ में आई, चलो फिर एक बार जो मैंने लिखा है वो वाला कंटेंट भी देख लो। मैंने यहाँ पर लिखा है जीन क्लोनिंग में कोई भी एक, मतलब जीन क्लोनिंग में, जीन क्लोनिंग कह लो या फिर कुछ लोग इसको आरडीटी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर आपको इसके क्वेश्चंस जीन क्लोनिंग के नाम से मिलेंगे। क्लोनिंग से ध्यान आया, कुछ बातें और बता देती हूँ। अब जो बच्चे आपका वेक्टर यूज होता है, कभी कभी आपको कॉपीज बनानी होती हैं, कभी कभी आप चाहते हो कि उसका एक्सप्रेशन देखना है आपको, सिर्फ आपको उसका एक्सप्रेशन देखना है। तो अगर आपको क्लोनिंग मतलब कॉपीज, ठीक है, अगर मान लो आपको उसकी कॉपीज बनानी है तो उस टाइम पर आप जो वेक्टर यूज करोगे बच्चे वो आप यूज करोगे क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। उस टाइम पर इसका नाम क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर। अगर आप चाहते हो कि आपको उसका एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन देखना है, तो उस टाइम पर आप कौन सा वेक्टर यूज करते हो, एक्सप्रेशन वेक्टर। तो इस टाइम पर आप कौन सा यूज करते हो, एक्सप्रेशन वेक्टर। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर से ही आते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर से आता है तो ये आ जाता है कि इसकी कुछ क्वालिटीज बताओ, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपके एक्सप्रेशन वेक्टर में, सिर्फ इतना पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके क्लोनिंग वेक्टर से ही आते हैं, तो उसी पर अब हम लोग फोकस करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, इन अ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट एक टारगेट जीन को इंसर्ट किया और इन अ सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। अभी अभी मैंने यही बात की, आई थिंक अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले आपके बेसिक्स क्लियर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, ये देखो ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का जीन ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ये। यहाँ पर मान लो मैंने ये ब्लू कलर का जीन कर रखा है, ये देखो ये ब्लू कलर का जीन यहाँ पर अब किधर आ जाएगा, ये इसके साथ आ गया प्लाज्मिड के साथ। मतलब ये व्हीकल आपका प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है, कोई डीएनए भी हो सकता है नॉर्मली, या कोई भी जैसे M13, ये कुछ एग्जाम्पल्स है व्हीकल के, ठीक है। उसके बाद ये अब ऐसे तो ज्वाइन होगा नहीं, यहाँ पर जो यूज किया है, यहाँ पर यूज किया गया है डीएनए लाइगेज, कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगी, ठीक है। अब डीएनए लाइगेज आया, देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपका जो जीन था ये देखो बच्चे इंसर्ट हो गया और यहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। फिर जो बातें मैंने बताई है वही मैंने फिर दोबारा से यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखा है। जैसे मान लो
ये रहा मेरा येलो कलर का फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो मुझे इंसर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका वेक्टर, ये मान लीजिए यहाँ पर ये आपका वेक्टर। तो इस तरीके से देखो ये आपका इधर यहाँ पर इंसर्ट हो गया। उसके बाद इसको बैक्टीरियम सेल के अंदर डाला गया है। यहाँ पर देखो ये इधर ग्रो कर रहा है आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पर ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, देन फिर डिवीजन होगा होस्ट सेल का। होस्ट सेल कौन है? जिसके अंदर मैंने डाला है। उसके बाद आपको बहुत सारा सेल डिवीजन यहाँ पर देखने को मिला और धीरे धीरे बैक्टीरियल कॉलोनीज जो है वो यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। और फिर हमें जो जो ये इंसर्ट करना था वो हमें मिल जाएगा, यानी जो हमारा टारगेट था वो हमें मिल गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस नो कुछ कर दो मैसेज, स्पीड ज्यादा कम कुछ भी समझ में आ रहा हो। वही चीज थोड़ी सी बुकिश उसमें बना रखी है। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर देखो एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए रेड कलर का जीन है, ये वेक्टर में आ गया। अब यहाँ पर ऐसे करते करते यहाँ पर फिर से डिवीजन, जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। डीएनए मॉलिक्यूल कैसे किया? वेक्टर का यूज किया और जो जिस डीएनए के अंदर मेरा जीन प्रेजेंट था उसकी मैंने फ्रेगमेंट ले ली, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको होस्ट सेल में ट्रांसपोर्ट किया, देन मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन डिवीजन हुआ, उसके बाद आइसोलेशन देखने को मिला। अब देखो बच्चे क्या होता है, फिर से वहीं पर आ जाती हूँ मेरे उसी डायग्राम पर, गंदे से डायग्राम पर। अब देखो क्या हुआ, म्यूट तो नहीं है ना, ठीक है। अब मैं कहाँ पर थी, इधर आ जाती हूँ। अब देखो जैसे मान लो, अब मैं ऐसी सिंपल सिंपल बता रही हूँ, ये मेरा प्लाज्मिड था। यहाँ पर जो मैंने जीन इंसर्ट किया बच्चे, ये मान लो मेरा ये पिंक कलर वाला ही जीन था। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि भाई जो मैंने ये प्लाज्मिड डाला है, ये जो मतलब ये जो मैंने इसके अंदर जो ये जो फ्रेगमेंट डाली है, ये फ्रेगमेंट और ये जो प्लाज्मिड है इसका साइज सेम हो या जो मुझे चाहिए वो एज इट इज हो, तो मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है हर बार कि जैसा हम चाहते हैं हमें बिल्कुल एज इट इज वही कंडीशन मिल जाए, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, मेरा जो ये जीन था पिंक कलर वाला जीन, इसके अंदर आप लोगों को साइट्स के नाम सुने होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जहां पर कट लगाया जाता है। मान लो मेरा यहाँ पर इको आर वन का, मतलब इस जीन के अंदर इंसुलिन का जीन नहीं, मतलब कोई भी जीन लगा लो, इको आर वन वाला कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट है या कुछ भी आपकी SAU करके कोई साइट है, ठीक है। अब मुझे ऐसा ही वेक्टर चाहिए जिसके अंदर भी इको आर वन वाली या फिर ये ऐसे या फिर ये जो SAU वाली है ये वाली कोई साइट हो, तो मुझे ऐसा ही अगर चाहिए होगा तो मैं मार्केट में गई, मैंने उनको बोला कि देखो भैया मैं ऐसे ऐसे PhD कर रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट लगाना है जिसमें इको आर वन वाली साइट और SAU वाली, उसने मुझे ये वाला वेक्टर दे दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या है, जैसे अब बच्चे जब ये काम चल रहा होता है, जैसे आपको ये पेज पर दिख रहा है, ऐसे तो होता नहीं है, आप तो एक ट्यूब लेते हो, ट्यूब लेकर आप उसके अंदर नॉर्मली आपको जो वेक्टर्स डालने हैं, मान लो मैं यहाँ पर ब्लू कलर से वेक्टर्स बना देती हूँ, यहाँ पे नॉर्मली आपने क्या किया, जितने भी वेक्टर्स थे आपने इनको ट्यूब के अंदर डाल दिया और इसी के अंदर आपने क्या किया, आपका जीन डाल दिया। मान लो मेरा ऑरेंज कलर का जीन है, आपने इसी के अंदर आपका जीन डाल दिया, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि आपका जो जीन है वो, मान लो आपका जीन ऐसा है जिसके ऊपर 5' फॉस्फेट चाहिए था आपको, बट उसके ऊपर 5' फॉस्फेट ही नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा एंजाइम डालना पड़ेगा ना कि वो उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दे, या आपका कोई ऐसा जीन है जहां पर आपको 5' फॉस्फेट चाहिए ही नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एंजाइम डालना पड़ेगा जो इस फॉस्फेट को हटा दे, यानी आपको कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप ये चाहते हो कि आपका जो डीएनए है और यहाँ पर आपका जो ये जो पिंक कलर वाला जो बना था, आप चाहते हो कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर इसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो, इसकी और कॉपीज बने, तो रेप्लिकेशन के लिए आप चाहते हो कि भैया पॉलीमरेज तो होना चाहिए, अब पॉलीमरेज लेकर तो ये जीन आएगा नहीं, तो आपको पॉलीमरेज भी डालना पड़ेगा, यानी आपको बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो खुद ही डालने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपको पॉलीमरेज डालना है, या फिर जब हम फॉस्फेट को हटाते हैं तो हम किस टाइप के एंजाइम डालते हैं, फॉस्फेटेज डालते हैं, या फिर आप अगर वही मतलब काइनेज डाल सकते हो अगर आपको फॉस्फेट का ट्रांसफर करवाना है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इस ट्यूब के अंदर आप सेल डाल रहे हो, आपको नहीं दिख रहा भी क्या हो रहा है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अब आपके हाथ में तो है नहीं, जैसे मान लो इधर ये ऐसे था और यहाँ पर जो मेरे ग्रीन ग्रीन कलर के सारे प्लाज्मिड्स थे,
मान लो ये रे ये रे ये रे, तीन ही बना देती हूँ। आई थिंक तीन आप लोगों के लिए ठीक है। टेस्ट ट्यूब्स थोड़ी सी मोटी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप तो ट्यूब्स के अंदर ये चीजें कर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आप तो बाद में इसको ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो जीन था, हो सकता है कहीं पर तो ये इंसर्ट हो गया हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, या फिर कहीं पर हो सकता है जो जीन है ये खुद ही आपस में ही हो गया हो। आपस में तो वैसे बहुत कमी होने के चांसेस होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जो मैंने प्लाज्मिड डाला था बच्चे, हो सकता है ये प्लाज्मिड खुद ही रिसर्कुलराइज हो गया हो, मतलब इसको बोल देते हैं हम लोग री सर्कुलराइज, ठीक है, कि हो सकता है ये वापस जीन से जुड़ने की बजाय खुद ही आपस में जुड़ गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मैंने जीन इंसर्ट किया था मैं चाहती हूँ वो मेरा इस डायरेक्शन में जुड़े, अब वो क्या हुआ, वो मेरा इस डायरेक्शन में जुड़ गया, तो अब ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कुछ भी पॉसिबिलिटी है, आप बाद में सिलेक्ट करोगे कि किसमें मेरा जीन इंसर्ट हुआ है किसमें नहीं हुआ है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है मुझे क्या सिलेक्ट नहीं करना है। बट जैसे आप चाहते हो बिल्कुल एज इट इज आपको जीन या वेक्टर को मिलने से रहा, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके कुछ मॉडिफाइंग एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। आ जाइए वापिस वहीं पर। सबसे पहले है यहाँ पर पॉलीमरेज। देखो बच्चे मैं अगर आपको डीएनए पॉलीमरेज वन की थोड़ी सी कहानी बताऊं, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज वन है इसके पास जनरली आपको तीन एक्टिविटीज देखने को मिलती है। फर्स्ट हमारी होती है 3' to 5' एक्सोन न्यूक्लियस, अभी इस बारे में बात करती हूँ। नेक्स्ट हमारी होती है 5' to 3' पॉलीमरेज, और थर्ड आपकी एक्टिविटी होती है 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। अब न्यूक्लियस से पता लग रहा है एक्सो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ फाइव, अब मैं इसको उठाती हूँ 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस को उठाती हूँ मैं। सबसे पहले एक्सो न्यूक्लियस, एक्सो मीन्स यानी कि ये आपका साइड से जो साइड वाला जो पार्ट है उसको कट करेगा, एक्सो मतलब टर्मिनल कट करेगा। मैं एक्सो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस के ऊपर पूरा बताऊंगी, एक बार के लिए बस समझ लो। तो 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि साइड से मतलब टर्मिनल से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ये कट करता हुआ चलेगा, ठीक है। 5' to 3' पॉलीमरेज का क्या मतलब है, 5' से 3' की डायरेक्शन जो है वहां तक ये आपका पॉलीमराइजेशन शो करेगा। 3' to 5' का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ाई है तो इसीलिए मैं पूरा तो डीएनए नहीं बनाऊंगी, फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ, एक मिनट रुको। अरे ये हैंग हो गया, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट रुको, ये हैंग हो गया। हाँ चल गया चल गया, किधर थी मैं, अच्छा मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा बताती हूँ। मान लो ये आपका डीएनए है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ 5' फॉस्फेट, यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपका 3' OH, ये आपका कहाँ पर है, 3' पर। अब यहाँ पर जो एक और स्ट्रैंड है जिसमें बनाता हुआ जा रहा है ये मेरा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देती हूँ 3' OH, ये मैं बना देती हूँ 5' फॉस्फेट, ये रहा यहाँ पर फॉस्फेट, कुछ इस टाइप से ये करता हुआ जा रहा है। अब क्या है बच्चे, मान लो अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ आपको दो चार चीजें ही तो याद रखनी होती हैं कि आपका जो रेप्लिकेशन होता है, आपका शायद फर्स्ट लेक्चर तो हो चुका है ना इसका बेसिक, रेप्लिकेशन जो होता है आपका वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ये जो मैंने आपको जो डायरेक्शन शो करी है ये मैंने टेम्पलेट की डायरेक्शन शो करी है, तो यहाँ पर जो अब डीएनए की सिंथेसिस होगी वो कहाँ से होगी, वो आपकी 5' to 3' फॉस्फेट से होगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 5' to 3' कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होगा, बिल्कुल उसमें नहीं घुस रही हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बस थोड़ा सा बता रही हूँ तो ताकि आपको समझ आए 5' to 3' और 3' to 5' है क्या। अब देखो यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 यहाँ पर ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करेगा। इसको टेम्पलेट चाहिए तो ये वाला डायग्राम तो मेरा गलत हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर देती हूँ, एक मिनट रुको, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, तभी तो ये कर पाएगा ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये जो काम हो रहा है बच्चे कहाँ पर हो रहा है, 5' to 3', कौन सी एक्टिविटी हो रही है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। अब मान लो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज से गलती तो ये भी कर सकता है ना, इसने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड डाल दिया, अब ये क्या करेगा, मान लो इधर एक न्यूक्लियोटाइड था वो इसने गलत डाल दिया, यहाँ पर था इसने गलत डाल दिया, इसने गलत ऐड कर दिया, तो जो पॉलीमरेज है अब ये जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसको जब पता मतलब इसको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई इसने गलत किया, तो अब आपको कोई चीज अपने चलते चलते
पीछे की साइड कुछ गलत हो जाता है, क्या करोगे बच्चे, पीछे की साइड मुड़ोगे राइट। तो अब ये इसको करेक्ट करने के लिए वापस पीछे की साइड जाएगा। तो अब देखो कौन सी एक्टिविटी हो गई यहाँ पर, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम राइट। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये पॉलीमराइजेशन शो कर रहा है, बट 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या कर रहा है, पीछे की मुड़ के जाके उसको करेक्ट कर रहा है। तो जब ये बच्चा करेक्शन करता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, डीएनए की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या है, मान लो डीएनए से कोई गलती हो गई है तो पीछे की साइड मुड़ के एक बार देखेगा, अरे मैंने ये वाला न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड कर दिया, पहले उसको ठीक करेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए तो आपका जो डीएनए है कि काफी हद तक आपका परफेक्ट ही है। ये क्यों है परफेक्ट, क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, अपनी गलती सुधारना आता है इसको। ठीक है, ऐसा देखते हुआ चलता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो अब मैंने पहले 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी बताई जस्ट अभी, अब मैं बता रही हूँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। अब एक्सो यानी जो इसने टर्मिनल पे जो किए थे एड, उन्हीं को तो चेक करेगा ना बच्चे, तो ये उनको चेक करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हाँ जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसको क्या बोला जाता है, प्रूफ रीडिंग। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपका एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, इसको रट जाना। प्रूफ रीडिंग का मतलब है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ना डीएनए पॉलीमरेज 1 की प्रॉब्लम है कि जो टर्मिनल मतलब जोड़ता हुआ चल रहा है वो तो ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता हुआ चल रहा है, बट जो लास्ट वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना बच्चे, उनको एक कट करता हुआ चल रहा है। अब साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत से अपना इतना टाइम लगाकर ये बनाया है, उसको जो डीएनए उसको जो जीन डालना है उसके लिए उसने इतनी मेहनत की, क्योंकि इसलिए थोड़ी की डीएनए पॉलीमरेज साइड वाले उसको कट कर देगा। तो जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 था बच्चे, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 था उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया, उस केमिकल का नाम आई थिंक सबटेलिजिन करके कुछ है, सबटेलिजिन करके कुछ ऐसा ही उसका नाम है, कुछ कुछ ऐसा ही। उसके बाद मान लो, और इन्होंने ट्रिप्सिन से भी दिया था ट्रीटमेंट तो वैसे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज 1 को कट किया, आपको 2 टाइप की फ्रैगमेंट्स देखने को मिली, जो लार्ज वाली मिली, एक आपको लार्ज एक आपको स्मॉल देखने को मिली। जो लार्ज वाली मिली इन्होंने इसका नाम रख दिया क्लिनो फ्रेगमेंट, क्योंकि जो ये वाली जो आपकी मतलब डिस्कवर की थी क्लिनो नाम के साइंटिस्ट ने ही की थी, नहीं सॉरी क्लिनो नहीं कॉर्नबर्ग ने की थी इसकी, तो सॉरी कॉर्नबर्ग ने की थी। तो इन्होंने जो इनकी जो सेगमेंट आपको देखने को मिली ये आपको मिली क्लिनो फ्रेगमेंट। अब इसके पास जो एक्टिविटी आपको नहीं थी ना वो एक्टिविटी हटानी है, मुझे क्या नहीं चाहिए था, मुझे क्या नहीं चाहिए था कि साइड से मेरे न्यूक्लियोटाइड्स को कट करता हुआ ना चले, यही तो नहीं चाहिए था मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी थी इसको हटा दो, बस ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये वाला काट दिया, बाकी जो बची हुई दोनों है वो मेरे काम की है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग मैं चाहती हूँ भाई, क्योंकि जो जीन मैंने वहां पर डाला है वो मैं चाहती हूँ कि वो करेक्ट आए एकदम। सेकेंड पोलिमराइजेशन भी मैं चाहती हूँ, अगर अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो फिर कैसे जो जीन मैंने डाला है वो आगे काम कर पाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लिनो फ्रेगमेंट में वो एक्टिविटी है जो जो आप चाहते हो, आप नहीं चाहते थे कि वो कट हो, तो इसीलिए आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस को हटा दिया। तो जो बच्चे क्लिनो फ्रेगमेंट होती है ना ये आपकी लैब्स में हम लोगों ने बनाई है, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाई है, ये नेचुरली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना ली। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ पॉलीमरेज के ऊपर, कि अब कुछ पॉलीमरेज का जिनका यूज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले एक बेसिक रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। देखो बच्चे यहाँ पर ये आपका ये रहा आपका स्ट्रैंड जो बना है, यहाँ पर आपका टेम्पलेट बना है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज आपका स्ट्रैंड आ गया। ठीक है, ये जो यहाँ पर रेड कलर से दिखाया गया है, अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आया। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने चलो एक तो बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पर एक निक था, इसने क्या किया इसको यहाँ पर जोड़ दिया अच्छे से, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने यहाँ पर काम कर दिया। बट जो यहाँ पर जो थे ना, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे इनको भी हटा दिया इसने, अभी इनको हटाएगा ये, यहाँ पर इस डायग्राम में शो नहीं किया गया, अभी क्या करेगा इनको भी हटा देगा, यानी एग्जिस्ट ऊपर लिखा है ना एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर रिप्लेस्ड। निक का मतलब होता है बच्चे, निक का मतलब होता है कोई भी ब्रेक कहीं पर, जैसे मान लो यही मान लो ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का आप लोगों ने नाम सुना हो, ऐसे ऐसे ये आपकी काम कर रही होती है, जो ये बीच वाला स्पेस है ना इसे आप लोग निक बोल सकते हो। ठीक है, इसे आप लोग निक बोल सकते हो। तो जो डीएनए पॉलीमरेज की जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज वाली जो एक्टिविटी है ना, ये निक ट्रांसलेशन में भी हेल्पफुल होती है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर इसने जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं यही तो चाहती थी कि यहाँ पर जो ये मेरा खाली वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर जुड़ जाए, तभी तो मेरा इंसुलिन का जीन पूरा कंप्लीट होगा। बट इसने क्या किया, एग्जिस्टिंग को भी हटा दिया। तो फिर यहाँ पर यूज किया गया, ये किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज वन ने। अब आया, जब आप अब मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा ये पॉलीमरेज वाला। नेक्स्ट है आपका क्लीनो फ्रेगमेंट। क्लीनो फ्रेगमेंट ने देखो क्या किया, जो निक था इसी इसको जोड़ दिया, ये मैं चाहती थी। और देखो जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे मेरे वो ऐसे के ऐसे हैं, इसने इनको नहीं काटा, ठीक है, तो इसी की तो मुझे जरूरत थी। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, देखो आपका डीएनए टू आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, मूल मंत्र है ये तो हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी का। अगर आपने डीएनए से डीएनए बनाया तो आपका क्या बना, तो आपका क्या बोलते हो आप, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना आप बोलते हो ट्रांसलेशन। अब मैं बोल रही हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब क्या है, यानी इस तरफ को जाना है। तो जब आपका आरएनए से डीएनए बनता है उसे आप लोग बोल देते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। इसे मैं कुछ गलत बताने हो गया, आई थिंक यही होता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आपको आरएनए से डीएनए बनाना, यानी आरएनए को पढ़ते हुए आप डीएनए बना रहे हो, ठीक है, यानी आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ये, मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में ये बोल सकती हूँ, आरएनए को पढ़ते हुए डीएनए बना रहे हो, डीएनए बना रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज किसको देख के बना रहे हो, आरएनए को। तो यानी मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बोल सकती हूँ कि ये मेरा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जहां पर आपको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं वो वाला पॉलीमरेज, क्या डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट। यानी मैं यहाँ पर इसको बोल सकती हूँ ये मेरा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर जैसे डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए को पढ़ के क्या बना रहा है, डीएनए ही बना रहा है वो, तो वो आपका क्या हो जाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चलो ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बहुत ज्यादा मैंने हाई फाई बातें नहीं की हैं, छोटी छोटी कुछ कुछ बातें बताई हैं, जितने सिंपल तरीके से मैं बता सकती थी मैंने वो बताया आपको, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज वो तो था वही वाला, कुछ आपके टैग डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको लैब में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं या ऐसे जीन इंसर्ट करने पड़ते हैं जिनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, जिनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर अब मैं कहाँ से लाऊं, तो यहाँ पर मतलब नहीं, अगर आपने नॉर्मल आपका डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लिया ना बच्चे, तो ये कह सकते हो आपकी मतलब हो सकता है कि वो आपका डिग्रेड हो जाए, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, क्योंकि वो नॉर्मल एंजाइम्स है, उनको उनको एक ऑप्टिमल एक्टिविटी पे उनको काम करना था। अब आपको आपका जो जीन है वो चाहता है ज्यादा टेम्परेचर हो, तो आप क्या करोगे, तो आप यूज करोगे टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है इसे कहाँ से लिया गया, थर्मस एक्वेटिकस नाम के इस ऑर्गेनिज्म से लिया गया जो कि आपका यू बैक्टीरिया है। टैग डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल होता है 94 डिग्री सेल्सियस तक, कि आपका काम कर सकता है। एक बार एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई हाई टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ भी आपका एक्सपेरिमेंट शो कर रखा था, और उसमें कुछ एंजाइम्स दिए गए थे जैसे लाइगेज वगैरह, ये सारी चीजें दे दी थी, लाइगेज हेलिकेज वगैरह वगैरह ये सारी चीजें दे दी थी। उसके बाद आपसे ये पूछा गया था कि आप मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया और आप उसके बाद उन एंजाइम्स को वापस उनकी जगह पे रखना भूल गए और आप घर पे चले गए, तो बताओ कौन से वाला कम इफेक्ट हुआ। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो उस टाइम पर आपका जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ये सबसे ज्यादा कम अफेक्टेड होगा वहां पर, बाकी जितने भी लाइगेज वाइगेज जो भी पड़ा होता सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास कौन कौन सी एक्टिविटी है। इसके पास आपकी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है, वही वाली आपकी डीएनए वाली, तभी तो इसको यूज करें। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, और मैंने आपको बताई थी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस जैसे ही हमारे दिमाग में, क्या दिमाग में आएगा कि कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर ये एब्सेंट है, प्रूफ रीडिंग होगी नहीं, तो जिसकी वजह से एरर की जो चांसेस है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। एरर चेंजेस कर दिया मैंने, एरर चांसेस आएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी की बात करूँ, ये आपका 72 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमम काम करता है, बट थर्मोस्टेबल है तो 94 डिग्री सेल्सियस तक भी इसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद इसके पास और कौन सी एक्टिविटी है, तो वो है आपकी 5' to 3' एक्टिविटी, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एग्जाम में पूछा जाता है कि टैग डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने अभी अभी यही बात बताई, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर डिपेंडेंट होता है ये आपका, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी ये भी शो करता है, और जनरली ये आपका सीडीएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब सीडीएनए मान लो आपको नहीं पता, जो मैंने आपको बताया है ना बच्चे कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो जो आपका एमआरएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा था ना, एमआरएनए या नॉर्मल एम हटा दो आप आरएनए रख लो, ठीक है, जो आपका एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बन रहा था उसी को हम लोगों ने सीडीएनए बोल दिया था, ठीक है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये आपका सीडीएनए की सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स के नाम यहाँ पर है, उनको मेनली 4 categories में डाला जाता है। फर्स्ट आपका आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो एंजाइम्स है बच्चे, न्यूक्लियस आपके वो एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो है उनको उनके बीच से कट लगा देंगे, उनको छोटा कर देंगे, उनको डिग्रेड कर देंगे, मतलब कुछ भी कर देंगे, डिटरमाइन करेगा। लाइगेज जो हमारे न्यूक्लियस का मेन काम बस कट लगाना, ठीक है। लाइगेज, लाइगेज का काम होता है मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना, ठीक है, इतना याद रखना। जो लाइगेज है ये आपके मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं। जिनका थोड़ा सा और नॉलेज लेने का मन कर रहा है मैं बता देती हूँ, जैसे मान लो एक डीएनटीपी आपका है, दूसरे वाला डीएनटीपी है, तो एक का जैसे 5' phosphate और दूसरे का 3' OH, ठीक है। तो इनके बीच में ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं आपके डीएनए लाइगेज, ठीक है। जिसका नहीं मैं वो बस इतना याद रख लो कि जो लाइगेज है वो ज्वाइन करते हैं, बाकी आप क्या करना जब आप मॉलिक्यूलर पढ़ोगे ना जब पढ़ लेना, ठीक है। तो लाइगेज का मेन काम क्या है, ज्वाइन करना न्यूक्लिक एसिड्स को। उसके बाद पॉलीमरेज का क्या काम है, पॉलीमरेज क्या कर रहा है, चलता 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 और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा था, यानी कॉपीज ही बना रहा है मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद कुछ मॉडिफाइंग एंजाइम्स आते हैं जो कि रिमूव या ऐड करेंगे केमिकल ग्रुप्स को। अब मान लो मुझे 5' phosphate नहीं चाहिए था, मेरे जीन के अंदर आ गया है, क्या करूंगी मैं, तो अब मैं यहाँ पर उस फॉस्फेटेज का ऐड कर दूंगी। फॉस्फेटेज वगैरह को मैं किस में ऐड कर रही हूँ बच्ची, ट्यूब के अंदर ही ऐड कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो पेपर पर दिख रहा है, पेपर पर नहीं दिखता है आपको, सिर्फ आपको एक ट्यूब लेनी है, आपको ट्यूब के अंदर ही सारे रिएक्शन करवाने, ठीक है। तो चलिए फिर कुछ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स आ जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ जी हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। अगर आपको फॉस्फेट हटाना है बच्चे, तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे इन चीजों को प्लीज याद रखना, अगर आपको फॉस्फेट हटाना है तो आप जिस एंजाइम का यूज करोगे इसका नाम है एल्कलीन फॉस्फेटेज, ठीक है। ये इकोलाई से मिलके बना था, मतलब इकोलाई से लिया गया था, या फिर कार्फ इंटेस्टिनल टिश्यू में मिल सकता है, आर्कटिक श्रिम्प्स में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। श्रिम्प्स किसमें आते हैं, हमारे मोलस्का में, जो कि आप देखो आप इनका काम याद रख लेना, किससे मिला है किससे नहीं, अगर आपको नहीं याद हो रहा छोड़ दो, आप ये याद रख लो जो एल्कलीन फॉस्फेटेज है अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, जो 5' terminus था ना, जो आपका 5' terminus था उससे फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा। इतना तो आप लोगों को पता है ना कि जो आपका डीएनए है उसके 3' end पर ओएच ग्रुप होता है और 5' end पर फॉस्फेट ग्रुप होता है नॉर्मली, ठीक है। नेचुरली 5' पर आपको फॉस्फेट देखने को मिलता है और 3' पर ओएच ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर एल्कलीन फॉस्फेटेज का क्या काम है, मुझे 5' पर मान लो फॉस्फेट नहीं चाहिए था तो एल्कलीन फॉस्फेटेज यहाँ पर आकर काम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज काइनेज है ये, तो ये इसका मेन काम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जो आपका एल्कलीन फॉस्फेटेज जो काम कर रहा था उससे उल्टा काम करता है। कोई रिवर्स, कोई रेज हैंड कर रहा है, एक मिनट। हां जी अंकिता बोलो। हेलो अंकिता, अंकिता 1 2 3 चेक, आवाज नहीं आ रही मेरी अंकिता, क्लियर ही नहीं हुआ है, एक मिनट। क्या बोल रहे अंकिता, कुछ बोल भी रही हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। मैं सेटिंग्स में देखती हूँ जरा, ये सब कुछ तो क्लियर है मेरी तरफ से, तो चलो कोई बात नहीं, अपना मैसेज कर देना यहाँ पर, टेक्स्ट कर देना आप, कोई भी दिक्कत हो अंकिता आप यहाँ पर टेक्स्ट कर दो, ठीक है। मुझे नहीं सुनाई दे रहा क्या बोल रहे एक्चुअली,
कोई डाउट है? वैसे तो सब कुछ क्लियर है ना बच्चे, मतलब वॉइस मेरी और स्क्रीन सब कुछ क्लियर चल रहा है ना वैसे तो? अंकिता यहाँ पर टाइप कर दो बच्चे, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। मैंने आपका रेज हैंड भी एक्सेप्ट किया बट फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो फिर अंकिता का कोई डाउट होगा आप टाइप कर दो अंकिता, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। किधर थी मैं? अच्छा अब देखो, पहले मतलब ये देखो, अगर और कुछ नहीं तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना एल्कलीन जो है 5' फॉस्फेटेज को हटा रहा है, माइनस का मतलब हटा रहा है, 5' फॉस्फेट को हटा रहा है। अगर मैं 5' फॉस्फेट को हटाना चाहती हूँ, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है ये मेरे 5' फॉस्फेट को ऐड करेगा, ठीक है। एक बार देखो, पहले तो कोई अंकिता का कोई मैसेज नहीं आया हुआ ना, कोई क्वेश्चन पूछा हो, डाउट पूछा हो तो मेरी आंखों से छुटी होगा। ठीक है, 5' फॉस्फेट जो है यहाँ पर वो ऐड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर, नाम से ही पता लग रहा है टर्मिनल पर कुछ आपके डीएनटीपीज को यहाँ पर ऐड कर रहा है, ठीक है। और पर ये कौन से टर्मिनल पर ऐड करता है? 3' OH पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी, जो आपका ये टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है, ये क्या, ये कहाँ से लिया गया? काफ थाइमस से, जो भी है। उसके बाद ये ऐड कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा टीएनटीपीज ऑन दी 3 टर्मिनस एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इन्हीं का एक्शन यहाँ पर एक बार और दिखाया गया है। इधर देखो बच्चे, ये आपका एल्कलीन फॉस्फेटेज का एक्शन देखो, यहाँ पर आपका क्या था, इधर फॉस्फेट था और इधर फॉस्फेट था। फॉस्फेटेज ने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फेट को हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, आपका OH लगा दिया, ठीक है। ये याद नहीं करने स्ट्रक्चर वगैरह, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, ये क्या करेगा, OH को रिमूव करेगा और फॉस्फेट को ऐड करेगा। तो देखो यहाँ पर OH को रिमूव किया और आपके फॉस्फेट को ऐड कर दिया। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज देख लो बच्चे, इसने क्या किया, टर्मिनल पर, यहाँ पर देखो टर्मिनल पर ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो इधर टर्मिनल पर इसने क्या किया, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया। ये आपके थे कुछ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने आपको नाम से ही पता बताया था कि कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ये आपके कट लगाते हैं, ठीक है। जितने न्यूक्लिक एसिड्स है वहां पर कट लगाएंगे। अब अगर ये कोने पे कट लगा रहे हैं, यानी एंड पे कट लगा रहे हैं, तो उसे आप लोग बोल देते हो एक्सो न्यूक्लियस। अगर ये कहीं पर बीच में कट लगा रहे हैं तो इसे आप लोग बोल देते हो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, न्यूक्लियस ने डीएनए मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड किया बाय ब्रेकिंग दी, हाँ जी। अब एक चीज और, जो लाइगेज था बच्चे, मैंने आपको बताया था ये जब ज्वाइन करता है उस टाइम पर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है डीएनटीपीज के बीच में। वहीं दूसरी तरफ आपका जो न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियस है, ये क्या कर रहा है, ये तो फॉर्म कर रहा था, न्यूक्लियस है इसको कट करना है, तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये आपका फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, हाँ जी। उसके बाद आ जाओ एक्सो, वही लाइन फिर दोबारा से यहाँ पर लिखी गई है, डिग्रेड करता डीएनए मॉलिक्यूल्स को बाय ब्रेकिंग द फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बना हुआ था जोड़ने के लिए। अब एक्सो न्यूक्लियस है, एक्सो न्यूक्लियस का क्या काम है, एक टाइम पर ये एंड पर कट लगाएगा, फ्रॉम दी एंड, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के एंड पर कट लगा रहा है। एंडो न्यूक्लियस जो है ये क्या कर रहा है, ये डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में कट लगा रहा है, ठीक है, विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका डीएनए, यहाँ पर जो कट लगा है एक्सो न्यूक्लियस और यहाँ पर जो कट लगा रहे हैं ये एंडो न्यूक्लियस। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर ये रहा एक्सो न्यूक्लियस, जो काम करेगा बच्चों किधर करेगा, वो यहाँ पर करेगा। यहाँ पर ये देखो बॉन्ड भी यहाँ पर शो कर रखे हैं। अगर यहाँ पर दो, मतलब ये जो दो नाइट्रोजनस बेस है इनके बीच में जो बॉन्ड है उसे आपने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स के जो बीच में बॉन्ड है उसे आप लोगों ने क्या बोल दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल दिया, ठीक है। वैसे न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में नहीं होते, ये एमपी के फॉर्म में होते हैं, मतलब ज्यादा हो जाएगा प्रो के लिए, चलो ठीक है फिर बता देती हूँ। जैसे मान लो मैं जो डीएनटीपीज वगैरह ऐड करती हूँ, मान लो मेरा एटीपी, जीटीपी, सीटीपी वगैरह है, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये रहा एटीपी, यहाँ पर एक और फॉस्फेट है,
एक और फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट है, ठीक है। इस वाले को आप अल्फा बोल देते हो, इसको बीटा बोल देते हो, इसको गामा बोल देते हो। फिर जब ये काम होना स्टार्ट होता है, जब जुड़ने स्टार्ट होते हैं, तो बीटा और गामा हट जाते हैं आपके, जिन्हें आप पायरोफॉस्फेट बोल देते हो। तो ये आपके एएमपी के फॉर्म में जुड़ते हैं, ठीक है, एएमपी सीएमपी ऐसे जुड़ते हैं। चलो आ जाओ फिर उसके बाद। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस ने काम किया, देखो जो साइड वाले जो थे ना, साइड वाले जो न्यूक्लियोटाइड थे इनको हटा दिया, एक्सोन्यूक्लियस ने एंड से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ आ जाओ एंडोन्यूक्लियस के ऊपर। एंडोन्यूक्लियस ने देखो कहां पर बीच में कट लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कट लगा के अलग अलग जगह से इनको तोड़ दिया, यहाँ पे अलग, मतलब बीच बीच से कट लगा लगा के। ये जो आपको रेड कलर से शो किया गया है, ये इसकी कटिंग साइट है, ठीक है, यहाँ से इसने कट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ये एंडोन्यूक्लियस का काम है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं आपके एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल आपका आ जाता है BAL31। ये मेनली किससे प्योरीफाई किया गया, ये बैक्टीरियम एल्टेरोमोनस एस्पेजिनिया से इसको लिया गया, ठीक है। मुझे तो कभी याद नहीं होता कि कौन सा वाला किससे लिया गया, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है एक्सोन्यूक्लियस का। अब कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली कहीं कहीं पर ही काम करते हैं, ठीक है, पर जो BAL31 है इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है कि ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाएगा, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाएगा, यानी चाहे सिंगल स्ट्रैंड हो चाहे डबल स्ट्रैंड हो, दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा देगा और न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देगा। क्योंकि बच्चे कुछ कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो या तो सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल पे कट लगाते हैं, डबल स्ट्रैंड पे लगाते हैं। बट जो आपका BAL31 है, ये आपका कहाँ पर कट लगा रहा है, दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा रहा है, यहाँ पर ये रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सोन्यूक्लियस 3 की, एक्सोन्यूक्लियस 3 जो है ये एक ही जगह पर कट लगाएगा, ठीक है, जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, और लास्ट में उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना के छोड़ देगा। इधर देखो ये रहा इनका एक्शन डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका BAL31, BAL31 बोलना ज्यादा सही है, 31 तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसने कट लगाया, ये जो साइड वाले थे इनको इसने हटा दिया। वही एक्सोन्यूक्लियस को देखो, इसने सिर्फ एक ही जो एक स्ट्रैंड था उस एक ही स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाया, मतलब या तो चाहिए ऊपर वाले पे एक्सोन्यूक्लियस हटवा लो, चाहे नीचे वाले पे हटवा लो, ठीक है, तो या तो ऊपर वाले को हटा देगा नीचे वाले को हटा देगा, यानी कट कहाँ पर लगाएगा, एक ही स्ट्रैंड पर। एक्सोन्यूक्लियस 3 के बारे में बात हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है S1 एंडोन्यूक्लियस। S1 एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना बस वो पढ़ लेना घर पे, ठीक है। S1 एंडोन्यूक्लियस जो है ये आपका सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे कट लगाएगा। देखो इधर सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल था तो यहाँ पर इसने कट लगा दिया। उसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो है ये कहाँ पर कट लगाता है, सिंगल स्ट्रैंड पर भी और डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल पर भी, दोनों पर कट लगाता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पर इसने कट लगा दिया, ठीक है, ये डायग्राम देखोगे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और एंजाइम्स आते हैं, RNase A। RNase A है, देखो आपका मैंने बोला कि जो भी आपकी न्यूक्लियस है इनका क्या काम है, न्यूक्लिक एसिड्स पे कट लगाना। तो जो RNase A है ये मतलब DNase A जो होंगे वो DNA के स्ट्रैंड पे कट लगाएंगे, RNase वाले जो है वो RNA के स्ट्रैंड पे कट लगाएंगे। तो उसी तरीके से जो RNase A है ये आपके क्या करते हैं बच्चे, 3' एंड पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कट लगा दे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पे। आरएनएज एच जो है ये आपका आरएनए डीएनए हेटरोडुप्लेक्स में कट लगाता है, ठीक है। जब आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे ना उस टाइम पर आप पढ़ोगे कि साइड में क्या होता है, ये आरएनए डीएनए हेटरोडुप्लेक्स बनता कैसे है, जैसे ये था आपका डीएनए, जब यहाँ पर ये प्राइमर्स बनते हैं ना, जो प्राइमर्स होते हैं वो आपके आरएनए ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको फिर हटाना, जैसे ये प्राइमर्स होते हैं आपके आरएनए और ये जोड़ते क्या है, जोड़ते हुए चलते हैं आपका डीएनए, तो यहाँ पर इनके बीच में जो कट लगाता है वो होता है आरएनएज एच। नहीं समझ आया छोड़ दो कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो आरएनएज एच, एच का मतलब जो हेट्रो डुप्लेक्स बना, ठीक है, हेट्रो मतलब दो, मतलब दो डिफरेंट, डुप्लेक्स मतलब दो डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ठीक है, इतना याद रख लो, अगर वो ऊपर वाली बात नहीं समझ में नहीं आई है तो, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर करोगे ना उस टाइम पर ही आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो एंडो न्यूक्लियस है, एंडो मतलब बीच में कट लगाएंगे, इतनी बात तो चलो मैम ने बोली हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब इनके आगे रिस्ट्रिक्शन लगा है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मन किया वहीं पर जाकर कट लगा दिया, इनको कुछ कंडीशंस चाहिए, इनको कुछ सीक्वेंस चाहिए कि भैया हम बीच से कट कर देंगे आप कह रहे हो तो, बट हमें तो ये सीक्वेंस दोगे हम तभी तो कट कर पाएंगे, ऐसी कट हम नहीं करने वाले। तो जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये क्या करते हैं बच्चे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को कट तो करते हैं
बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, यानी इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक साइट है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन का मतलब आपका हो जाता है कि कोई ना मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि हम वही वहीं पर कट करेंगे, ऐसे कहीं पर भी जाके कट नहीं लगाएंगे। जैसे आपने डीएनए वगैरह देखे, कहीं पर भी जाके कट लगा देते, कहीं पर मतलब जैसे मान लो अगर वो आपका एक्सो न्यूक्लियस है तो एक्सो भी साइड से कट लगा देगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि साइड में क्या सिक्वेंस है क्या नहीं है नथिंग। बट जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है इनके पास देखो क्या है, और जो आपको पता है जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है ना, ये मेनली बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से ही आगे जाके फिर ये मतलब बैक्टीरिया के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, अभी हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है PUV1, इसको आइसोलेट किया गया प्रोटीएस वल्गरिस से। ये इनके जो एंजाइम्स के नाम के बेसिस पर ही इनका नाम रखा गया, जैसे ECO-R1 तो ये आपका ECO-LI से लिया गया, इस तरीके से। तो PVU1 जो है ये डीएनए को तभी कट करेगा जब इसको CGA-TCG सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए कि कहीं से भी कट नहीं लगाता, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि क्या आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बीच से कट लगाएगा, आपको उसको टिक नहीं करना है। अगर कहीं पर स्पेसिफिक लिखा हो तो वहां पर कट कर, वहां पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद एक और जैसे आपका एंजाइम आ जाता है PVU2, ये कहाँ पर कट लगाता है, ये भी एक हेक्सान्यूक्लियोटाइड पर ही लगाता है, पर ये इसको क्या चाहिए, CAG-TCG। ये कुछ एग्जाम्पल है इसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, देखो कट ये वैसे ही लगा रहा है बट इसको कुछ स्पेसिफिक साइट चाहिए। अब मेरी बात सुनो बच्चे, एंजाइम मैंने बोला आपको जो एंजाइम्स है इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल रहे हैं, ठीक है, एंजाइम्स नहीं सॉरी बैक्टीरिया, ई कोलाई बोला था ना मैंने, तो बैक्टीरिया के अंदर आपको ई कोलाई नहीं मैं बैक्टीरिया बोलूंगी, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल रहे हैं। आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना बच्चे, ये उनके डिफेंस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। डिफेंस में कैसे प्ले करते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है, यहाँ पर इसके ऊपर किसी उसने कोई बैक्टीरियोफाज आया, इसने अटैक कर दिया, ठीक है, बैक्टीरियोफाज आया इसने अटैक कर दिया, ये जो मैंने जो बनाया इधर, ये मेरा है बैक्टीरिया, यहाँ पर ये है मेरा बैक्टीरिया, और ये है बच्चे मेरा बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके डीएनए को कट करने के लिए, सॉरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। अब बैक्टीरिया के पास क्या है डिफेंस के लिए, बैक्टीरिया के पास बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। ये क्या करेगा ना, ये इसके इसने जो ये इंजेक्ट किया ना अपना जेनेटिक मटेरियल, इसको कट कर देगा, ठीक है। इसके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, जैसे कि कोई मान लो यहाँ से कट करा है, कोई यहाँ से कट करा है, मतलब सबकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसको कट कर देगा। अब आप एक बात सोच के देखो, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अभी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज ने इंफेक्शन किया, अब ये क्या करेगा, खुद को बचाने के लिए इससे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, कट 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 उसका जो भी जो उसने जेनेटिक मटेरियल को ढाला उसके बैक्टीरिया के अंदर, उसको कट कर देंगे, कट 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 करके सारा काम तमाम कर देंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बैक्टीरिया के खुद के ही जीनोम को क्यों नहीं कट करते फिर, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बाहर से आए हुए को तो कट कर देते हैं, जो इसका खुद का है उसको कट क्यों नहीं करते हैं। उसको कट इसलिए नहीं करते हैं बच्चे क्योंकि इसके पास एक डिफेंस सिस्टम और है, जो इसका बैक्टीरिया का जो खुद का जो डीएनए है ना उसके अंदर जो उसके स्पेसिफिक इसके पास जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, मतलब उसके उन साइट्स के स्पेसिफिक इसके पास जो एंडोन्यूक्लियस है उसके अंदर इसने क्या कर दिया ना, इसने मिथाइलेशन कर लिया। अब जब मिथाइलेशन हो जाएगा तो कट नहीं लगा पाएगा, यानी कि ऐसा बैक्टीरियोफाज जो जिसने अपना डीएनए इंजेक्ट किया और अपने डीएनए को वो मिथाइलेटेड करवा के लेके आया, तो बैक्टीरिया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो बैक्टीरिया खुद के जीनोम को कैसे बचा के रखता है, मिथाइलेशन करके, कि भाई खुद वाले को नहीं काटना, जहां पर मिथाइलेशन नहीं है उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए उसको कट कर दो। तो यही चीज यहाँ पर बना रखी है, इधर देखो ये डायग्राम्स है बच्चे आपके वहां से, टीए ब्राउन नाम की एक बुक आती है वहां से ले रखी है, टीए ब्राउन। देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इसने इंजेक्ट किया, यहाँ पर आया ये आपका मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर ये देखो ये इस तरीके से इसने इंजेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर आ गया ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल वॉल है, बैक्टीरिया है।
देखो इसने क्या किया, कैसे कट लगा दिया, फास्ट डीएनए ने क्लीव कर दिया, फास्ट डीएनए मतलब फास्ट डीएनए को क्लीव कर दिया गया और इनएक्टिव कर दिया गया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो है ये गोले गोले से, ये क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये बाइंड के इन्होंने कट कर दिया। अब खुद के बैक्टीरिया के साथ देखो, इसने खुद के जीनोम के साथ देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर भी मिथाइलेशन कर दिया, यहाँ पर भी मिथाइलेशन कर दिया, यही यही मतलब इसके पास इन्हीं के लिए स्पेसिफिक इसके पास होंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ यहाँ पर इसने मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज मेरी ध्यान रखना। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं भी थक गई हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। 9:54 हो रहा है, 55 पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर, कुछ आपको बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही हूँ और थक गई फिर मैं, और अभी तो मैं बहुत कुछ पढ़ना। चलो ठीक है, आज आज मैं देखते कितना कंप्लीट होता है। मैं 1 आवर 30 मिनट की क्लास रखूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती, बाकी फिर कल कर लेंगे, ठीक है। मैं तो चाह रही थी आज ही कम्प्लीट हो जाए, बट चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे बाकी का, अभी थोड़ा सा देख लो आप, ठीक है। आप लोग को ओवरफ्लो तो नहीं लग रहा ना, ये छोटी छोटी बातें बताएंगे मैंने तो, मेरी तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवर हो गया है। आई थिंक आप लोगों के लिए तो ठीक है ये। अब आ जाओ आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे टाइप के देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। नॉर्मली आप जो लैब में यूज करोगे, अभी तो आप लोग बीएससी कर रहे हो, जब आप लोग एमएससी करोगे या पीएचडी करोगे या प्रोजेक्ट ज्वाइन करोगे या कुछ भी करोगे, ठीक है, तो आप लैब में तो आप पक्का जाओगे। तो वहां पर जब आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो जनरली वहां पर यूज करते हो, वो आपका होता है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। वो आपका होता है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर क्या क्या खास बात है, ये बहुत बड़ी टेबल है, याद नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, जितना याद होता है उतना उतना कर लो, ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ बस मूव कर लो। पहली चीज, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में आपको क्या याद रखना है, ये स्पेसिफिकली कट करेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करेगा, यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है बच्चे, चाहे आप यहां से रीड करो चाहे आप ऐसे रीड करो, वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लगाया होगा, हाँ जी इधर देखो, जैसे आप ये मैं बता रही हूँ आपको, क्या बता रही हूँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ध्यान से देखो इसको, आप जब यहां से रीड कर रहे हो तो कैसे रीड कर रहे हो, CTTAAG, ठीक है, वैसे 5 प्राइम रीड करना चाहिए, मैं ही गलत रीड कर रही हूँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करना चाहिए, तो GAATTC, यहां से रीड करो फिर से 5 प्राइम से 5 प्राइम एंड तक हो, GAATTC, यानी चाहे मैं इसको वैसे रीड करूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करूँ, मतलब दोनों तरफ से ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रीड करूं, तो जो सीक्वेंस है वो मेरी सेम ही आ रही है, इसे हम लोग बोल देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो आपका बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 है, जो इसका टाइप 2 है, ये क्या करता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स पर कट तो लगाता है बट यूजुअली पैलिंड्रोमिक साइट चाहिए इसको, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, स्पेसिफिक होता है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ये आपको अपने आप याद रहेगा, टाइप टू आ रही, मैंने बोला सबसे ज्यादा कॉमन होता है। आप लैब में जाओगे और आपके टीचर ने आपको बोला, आपके सुपरवाइजर ने आपको बोला कि बात ऐसी है भैया, पहले आप क्या करो, RDT परफॉर्म करो, तो अगर आप RDT परफॉर्म करोगे तो आप क्या करोगे, मतलब RDT परफॉर्म करोगे तो आप टाइप 2 आ रही को ही लोगे, ठीक है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, होमोडाइमर होता है,
आपको किस एंजाइम की जरूरत है, मैग्नीशियम की, सॉरी किस आयन की जरूरत है, किस कोफैक्टर की जरूरत है, मैग्नीशियम आयन की। मैग्नीशियम आयन सबसे ज्यादा मैंने कहाँ पर यूज किया है, यूज नहीं किया मैं जब आपको ये बायो, सॉरी क्या पढ़ा रही थी मैं, बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ा रही थी, जब मैंने बताया था जो मैग्नीशियम आयन है बच्चे आपका, ये डीएनए पॉलीमरेज भी बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, अब आ जाओ टाइप थ्री पर। टाइप थ्री पे क्या क्या याद रखना है, ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम छोड़ दो आप लोग अभी एक बार के लिए, बताऊं क्या मैं डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे मैं नहीं बताती, चलो ठीक है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम छोड़ो आप, आपके काम का नहीं है ये, जितनी टेबल में जितनी बातें मैं बता रही हूँ बस इतना इतना याद रख लेना। ठीक है, जो टाइप थ्री रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हेटरोडाइमर होता है, हेटरोडाइमर मतलब हेटरो मतलब डिफरेंट, दो यूनिट्स, दो डिफरेंट यूनिट से मिलके बनता है, होमोडाइमर यानी सेम दो यूनिट से मिलके बनता है, इसको जो चाहिए इसको भी मैग्नीशियम आयन चाहिए, SAM को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया, कभी कभी इसको SAM की भी जरूरत पड़ जाती है। टाइप वन की बात करें तो टाइप वन में क्या क्या है, ATP भी चाहिए इसको, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए इसको और SAM भी चाहिए। देखो दैट्स व्हाई हम लोग टाइप टू RE का भी यूज करते हैं, क्योंकि एक तो पैलिंड्रोमिक को रिकोगनाइज कर रहा है ये, दूसरी चीज क्या है मतलब पैलिंड्रोमिक को रिकोगनाइज करके और फिर बाद में वहीं पर कट लगा रहा है, दूसरी चीज क्या है सिर्फ मैग्नीशियम से काम चल जाएगा। अब हम लैब में अगर आप कोई भी कभी भी आप लाइफ में रिसर्च करोगे तो आप यही तो सोचोगे कि कम पैसे में आप सोसाइटी को कुछ ज्यादा अच्छा दे सकूं, तो आपको कम चीजों का इस्तेमाल करके आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाए। ठीक है, तो देखो टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, सिर्फ मैग्नीशियम से काम चल जाएगा इसका। अब वन पे आ जाओ, वन के अंदर आपको हेट्रोट्राइमर टाइप की यूनिट देखने को मिलती है, हेट्रोट्राइमर यानी तीन डिफरेंट यूनिट्स। उसके बाद जो आपका टाइप वन आ रही है ये सिंगल मल्टीफंक्शनल एंजाइम है, यानी एक ही मतलब एक लोता एंजाइम ही काफी सारे फंक्शन कर सकता है। जो टाइप टू आ रही है इसमें क्या है, आपको न्यूक्लियस अलग से देखने को मिलेगा, मिथाइलेज अलग से देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पर कट लगाने वाला अलग है और इसके डीएनए को क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन देने वाला आपका अलग, यानी सेपरेट न्यूक्लियस एंड सेपरेट मिथाइलेज। वहीं दूसरी तरफ जो आपका टाइप थ्री रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ये क्या करता है, अलग अलग एंजाइम्स तो हैं बट कॉमन सब यूनिट है, एक ही यूनिट के साथ अलग अलग एंजाइम्स जुड़े हुए हैं, और टाइप वन में क्या है एक ही एंजाइम है वही सारे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पर क्या है, एक ही एंजाइम है यही राजा यही सारे काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस अलग है मिथाइलेज अलग है, यहाँ पर क्या है दोनों यूनिट्स है मतलब न्यूक्लियस भी यहीं पर प्रेजेंट है और मिथाइलेज भी यहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं कॉमन सब यूनिट के साथ जरूर जुड़े हुए हैं बट काम अलग अलग करें, मिथाइलेज वाला पार्ट ये करेगा न्यूक्लियस वाला ये करेगा। ठीक है, उसके बाद डीएनए क्लीवेज ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। डीएनए ट्रांसलेशन में क्या पूछा गया, एक आप याद कर लेना साइट ऑफ मिथाइलेशन, टाइप वन जो है ये रिकॉग्निशन साइट पर मिथाइलेशन देखने को मिलता है, इसका भी रिकॉग्निशन पर, इसका भी रिकॉग्निशन पर। ठीक है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, पूरी टेबल आपको नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। टाइप वन जो है आपका नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पर कर रहा है, ये आपका एक डाउन स्ट्रीम मैं नहीं बता रही अभी आप लोगों को। ठीक है, बस अभी आप इतना सोच लो, इतना ही पढ़ लो, इतना ही काफी हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये जो टेबल है बच्चे ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखी गई है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैं बताती हूँ पूरी टेबल तो नहीं बोलूंगी नॉट फॉर एग्जाम, यहाँ से आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्या पूछ सकता है, मान लो उसका बहुत दिमाग फिर गया और वो सोच रहा है मैं RDT में क्या घुसाऊं जिसका आंसर बच्चे दे ही ना पाए, तो ये क्या करेगा ये बोल देगा ECO-R1 की रिकॉग्निशन साइट बता दो, तो आप बता दोगे, या फिर आपसे ये पूछेगा ECO-R1 जो ये टर्म है इसमें ECO का क्या मतलब है, तो आप ये बता दोगे ECO का मतलब आपका ECOLI है। ठीक है, कि आपने इसको ECOLI से लिया है। उसके बाद ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स के बारे में अभी बात करेंगे, नॉर्मली बता देती हूँ बस, ब्लंट एंड में क्या होता है बच्चे इस तरीके का, अगर आपको एंड देखने को मिले कुछ इस तरीके से तो इसे आप बोल देते हो ब्लंट, यानी कि दोनों एंड से एकदम बिल्कुल ऐसा ही सीधा। ठीक है, तो उसे आप बोल दोगे ब्लंट एंड। अगर मैं बात कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, एक मिनट, अरे हैंग क्यों हो जाता है, कुछ इस तरीके से अगर आपको एंड देखने को मिल रहा है, देखो ये साइड में बस इतना सा, तो इसे आप लोग बोल देते हो स्टिकी एंड। ठीक है, तो ये वाला मैंने बताया आपके स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, और ये वाला जो है दोनों तरफ से एक सा, उसे बोल दिया हमने ब्लंट एंड।
अब आ जाओ आपका इको आर1। इको आर1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है ये, और ये आपका स्टिक कैंड देता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी टेबल है, ये पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम में इतना याद रखना है। जैसे मतलब ये पूछ लिया कि पीवी मतलब ये जो स्टार्टिंग जो है एंजाइम्स के नाम की जो स्टार्टिंग है ये किसकी वजह से है, आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है, आई थिंक DU बॉटनी में पूछा गया था ये कि किसकी वजह से है, कि किस ऑर्गेनिज्म से इसको लिया गया है। ठीक है, आप याद कर लेना, अगर आपका ज्यादा ही मन करे, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, बहुत टाइम आपके पास, तो इको आर1 वाला याद कर लो, HIND 3 वाला याद कर लो, एक ये याद कर लेना, एक आलू याद कर लेना। ठीक है, ALU। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, कहाँ पर थे हम लोग, इधर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स वही बता रखे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मैंने बताया है उसको दिमाग में रखो बस। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर ब्लंट एंड के इसने कहाँ पर कट लगाया, इसने ALU1 ने कहाँ पर कट लगाया होगा बच्चे, इसने यहाँ पर कट लगाया। ठीक है, यहाँ पर कट लगाया तो देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम, ये देखो इधर भी ये ऐसे, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिला। अब आपका आया इको आर1, इसने कहाँ पर कट लगा दिया, इसने क्या किया यहाँ पर, इधर तो यहाँ पे कट लगा दिया, इधर इसने यहाँ पर कट लगा दिया। ठीक है, ऐसे कट लगाया इसने। इको आर1 की क्या थी साइट आपकी, इको आर1 यहाँ पर देखते हैं, GAA TTC, तो इसको GAA TTC मिला, इसने कट लगा दिया, ये देखो हाँ GAA TTC, यहाँ पर इसने जी को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पर इसने यहाँ से कट कर दिया। तो यहाँ पर देखो बच्चे, आपको इधर देखो भारी लटकता हुआ मिला कुछ, यहाँ पर ये लटकता हुआ मिला, तो इसे आप लोग बोल दोगे स्टिकी एंड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विद डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे हैं जिनकी रिकॉग्निशन साइट जो है वो तो डिफरेंट है, बट फिर भी वो सेम स्टिकी एंड्स ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि आपके रिकॉग्निशन साइट्स को, मतलब रिकॉग्निशन साइट जो उनकी अलग है, बट जो एंड प्रो जो मतलब लास्ट में जो उनका प्रोडक्ट निकल रहा है वो लगभग सेम ही निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपको ये दिए गए हैं, यहाँ पर डैम H1 और ये आपका BG2 और SAU3। इसको जब आपने लिया तो देखो यहाँ पर भी CTAG दिख रहा है, यहाँ पर भी CTAG, यहाँ पर भी CTAG, जबकि आप इनकी जब टेबल देखो, टेबल के अंदर रिकॉग्निशन साइट बहुत अलग है। यहाँ पर देखो GATC, यहाँ पर GATC, यहाँ पर GATC। ठीक है, मतलब अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया ये लाइन में यहाँ पर क्यों उठा के लाई हूँ, क्या जरूरत थी इसकी, कोई मतलब इसकी जरूरत सिर्फ इतनी ही थी बच्चे कि आपसे अगर एग्जाम में स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दे दिया गया कि क्या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम स्टिकी एंड दिखा सकते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना डिफरेंट है तो भैया कैसे सेम स्टिकी एंड दिखाएंगे, हाँ जी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कुछ दो चार टर्म्स है बड़ी इजी इजी सी, आइसोशिजोमर्स, नियोशिजोमर्स और आइसोकोडोमर्स। आइसोशिजोमर्स वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं बच्चे जो सेम मतलब रिकॉग्नाइज तो सेम सीक्वेंस को करते हैं बट कट जो है वो भी सेम लोकेशन में ही करेंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज भी सेम और कट भी सेम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ये दे दिया गया। नेक्स्ट बोला है, एग्जाम्पल याद नहीं हो कोई बात नहीं, बस इतना दिमाग में रख लेना कि कौन से वाला क्या क्या कट कर रहा है, वैसे एग्जाम्पल पूछ लेता है, नाम नाम याद कर लेना ठीक है या छोड़ देना चलो। उसके बाद नियोशिजोमर्स जो है इनका काम क्या है, सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना बट डिफरेंटली कट करना। ठीक है, जो आइसोकोडोमर्स है ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज थोड़ी सी डिफरेंट को करते हैं बट प्रोड्यूस करते हैं सेम एंड्स। ठीक है, मैंने आइसोशिजोमर्स कौन से बोले, रिकॉग्नाइज करेंगे सेम को और कट भी लगाएंगे सेम साइट पर। ठीक है, जो नियोशिजोमर्स है रिकॉग्नाइज करेंगे सेम को और कट लगाएंगे डिफरेंटली। ठीक है, अलग चीज पर, जैसे इधर देखो रिकॉग्नाइज केस ने GGG CCC को, इसने भी GGG CCC को, बट देखो इसने आपका कट कहां पर लगा दिया, इधर, और यहां पर कट किधर लगा दिया, इधर। हां जी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा जी जी, बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाती है आपसे, तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ऐसे भी आया था कि ये जो है ये आपका
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एबीसीडी पूछ लिया था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कहां पर कट लगाया था, ठीक है, ये आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज भी डिफरेंट और कट भी डिफरेंट, ठीक है, दोनों को डिफरेंट ही काम करेगा, ठीक है, ये तो आपके लगभग सारे एंजाइम्स हो जाते हैं। उसके बाद आ जाओ एडेप्टर्स और लिंकर्स। अब ऐसा हो सकता है बच्चे, मैंने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये क्या था मेरा वेक्टर था, ठीक है, अब जो मेरा टारगेट जीन है जब मैंने उसको कट किया तो वो मेरा कुछ इस तरीके से कट हो गया, कुछ इस तरीके से कट हो गया। अब या तो ये पूरा ऐसे होता, मैं इसको यहाँ पर जोड़ूंगी तो ये कैसे, ये तो ऐसे जुड़ेगा, ये वाला जो एंड है मैं इसका क्या करूंगी, ये तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी, ऐसा कर सकती हूँ कि जो मेरा ये था या तो ये पूरा ही ऐसे हो जाए या फिर ये पूरा ही ऐसे हो जाए, ठीक है, ताकि ये मेरा बड़ी आराम से यहाँ पर आकर काम कर सके। यानी मान लो यहाँ पर मेरा आ रहा था इधर इसका स्टिकी एंड और मुझे यहाँ पर चाहिए ब्लंट एंड, या फिर मान लो यहाँ पर आ रहा था, और हाँ एक रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ जीन्स को ही नहीं, जो आपका वेक्टर है उसमें भी कट लगाते हैं और जीन्स में भी कट लगाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आना था मेरा स्टिकी एंड, आ रहा है ब्लंट एंड, ठीक है, तो मेरे पास मेरे को मतलब मेरा आना था स्टिकी, ये भी स्टिकी तो है, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जी ये भी तो आपका स्टिकी वाला है, बट जो मेरा प्लाज्मिड था उसको चाहिए था ब्लंट एंड, ठीक है, तो मेरे को या तो स्टिकी को ब्लंट में बनाना पड़ेगा, मेरे को स्टिकी को ब्लंट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हमारे कुछ और वो आते हैं, कुछ और चीजें आती हैं जिनका हम लोग वही मतलब इनको भी हम ट्यूब में ही डालते हैं, लैब में तो आपको सब कुछ ट्यूब में ही करना होता है बैठ के। तो एडेप्टर्स और कौन से आते हैं आपके, एडेप्टर्स और लिंकर्स, राइट, एडेप्टर्स और लिंकर्स आते हैं आपके, ठीक है। तो देखो जो लिंकर्स है ना बच्चे, ये क्या करेंगे, सरल सी भाषा में समझो, जो ब्लंट एंड है इसको ये स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, अगर आपको स्टिकी एंड चाहिए और आपको ब्लंट एंड मिल गया है तो उसको ये क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। लिंकर्स का काम तो हो गया आपका, ये जो एडेप्टर्स है ये भी ब्लंट को स्टिकी में कर सकते हैं, बट ये जनरली आपके स्टिकी को ब्लंट में करते हैं। किस तरीके से देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिंकर्स को, ये रहे आपके लिंकर्स। लिंकर्स ने क्या किया, यहाँ पर देखो ध्यान से आप, ये यहाँ पर था आपका ब्लंट एंड मॉलिक्यूल, यहाँ पर इस साइड में लिंकर्स है, अभी क्या करेंगे ये यहाँ पर आकर बाइंड हुए, एक मिनट रुको, ये देखो ये यहाँ पर आकर बाइंड हुए। उसके बाद अब क्या हुआ, लाइगेज आया, लाइगेज इनको जोड़ा, लाइगेज का काम कौन कर रहा है आपका, बार बार नहीं, लाइगेज वो जोड़ने का काम बार बार किसको किससे करवा रहे हो आप, लाइगेज से, दिमाग में ये चीज गांठ बांध लो, कुछ जोड़ना है लाइगेज लेकर आना है, ठीक है। अब देखो लिंकर्स यहाँ पर आपने अटैच कर दिए, अब आप क्या करो, बैम H1 जो है ये आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट है, आप इसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, जब आपने बैम H1 से इसको ट्रीटमेंट दिया तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टिकी एंड्स देखने को मिल गए, ठीक है, यानी आपके पास था क्या, छोटे छोटे वैसे एंड्स जो कि आपके ब्लंट थे, अब आपको स्टिकी एंड्स यहाँ पर देखने को मिले, कहाँ पर मिले देखो, इधर देखो जो मेरे काम की चीज है वो देखो, इधर देखो, ये देखो, ये आपको यहाँ पर स्टिकी एंड्स देखने को मिले, ठीक है। आपने क्या किया, लिंकर्स का यूज किया, लिंकर्स को पहले आपने जोड़ दिया, उसके बाद बैम H1 जो साइट थी वो ऐसी थी, जो लिंकर्स को देखो ऐसी थी, जैसे ये मेरे सारे लिंकर्स थे, ऐसे मेरे सारे लिंकर्स थे। फिर मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि ये भी मैं वहां से मार्केट से लेकर आई हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है बैम H1 जो है ये लिंकर्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट लगा देगा, कुछ इस तरीके से ऊपर वाले स्टैंड पर, तो ये मेरे कुछ ऐसे हो जाएंगे, या फिर मतलब कुछ इस तरीके से ये मेरे को कट लगा के दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, फिर आपको कुछ इस टाइप से आपका एंड देखने मिलेगा, और स्टार्टिंग में कैसे था आपका एंड, ऐसा था, कोई स्टिकी एंड नहीं था यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। यही चीज एडेप्टर्स के साथ है, एडेप्टर्स जो है ये पहले से स्टिकी है, ये देखो यहाँ पर ये आपके पहले से स्टिकी है, और जो आपके लिंकर्स थे ये आपके ब्लंट थे, ये आपके ब्लंट थे। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, ये देखो कैसा एंड था, इन्होंने भी वैसे ब्लंट ही दिया है, ठीक है,
इन्होंने इसको ब्लंट बना दिया, अब की बार इन्होंने इसको अच्छे वाला ब्लंट बना दिया। पर यहाँ पर अब देखो रिस्ट्रिक्शन साइड्स कुछ इस टाइप से होगी। वैसे नॉर्मली जो आपके एडेप्टर्स होते हैं ना बच्चे, ये आपके स्टिकी से ब्लंट ही बनाते हैं, बट कभी कभी स्टिकी से स्टिकी मतलब कभी कभी ये जो काम लिंकर्स कर रहे थे वो वाला भी कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आई थिंक ठीक है ना, हम बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बस 10 मिनट और रुक जाओ फिर कर लेना काम। मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी इससे ज्यादा देर तो, क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। चलो ठीक है, आ जाओ वेक्टर्स पर। अब जो वेक्टर्स है मैंने बात किया, क्या करते हैं व्हीकल की तरह काम करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब मान लो फेलोशिप मिल रही है रिसर्च के लिए और आपका जैसे मन करेगा वैसे आप फैक्टर को उठा लोगे। आप फैक्टर के में बहुत सारी क्वालिटीज देखोगे जो सी भी कंपनी प्रोवाइड करती है आपकी लैब को। आप उन कंपनी से बात करोगे भैया आपके वेक्टर में ये चीजें हैं कि नहीं, तो क्या क्या होना चाहिए वेक्टर में, ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन फ्यूचर भी कुछ काम करना चाहो तब भी, और वैसे भी आपकी थ्योरेटिकली भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, इनके अंदर काफी फीचर होते हैं ताकि ये आपका वेक्टर के साथ काम कर सके, वेक्टर की तरह एक्ट कर सके जीन क्लोनिंग के लिए। तो इसको क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज, इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि मैं अलग से होस्ट के अंदर कुछ रेप्लिकेशन के लिए नहीं डालना चाहूंगी। मतलब मैं ऐसा चाहूंगी कि अपने आप मतलब मैंने जब जैसे डाल दिया पॉलीमरेज वगैरह मैंने ये सारी चीजें डाल दी, अब मैं चाहती हूँ भैया तुम अपने आप रेप्लिकेट हो जाओ, क्योंकि अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस तो मैं नहीं करवाऊंगा, ट्यूब के अंदर मैं कैसे देखूंगी। तो पहली चीज ये रेप्लिकेट हो सके होस्ट सेल के अंदर। दूसरी चीज, इसके पास सिलेक्शन मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्शन मार्कर्स क्या है बच्चे? सिलेक्शन मार्कर्स जो होते हैं ना, ये मेनली आपके जैसे लिखूं कहां पर, इधर लिख देती हूँ। ये मान लो आपका एंटीबायोटिक्स या फिर एंजाइम्स आपके कुछ सिलेक्शन मार्कर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा वेक्टर है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन हो और एम्पीसिलीन हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे साइट्स होने चाहिए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पीसिलीन, ताकि मुझे मुझे पता है कि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन होता है और एम्पीसिलीन होता है और ये इसके बीच में जैसे एक सेकेंड रुको। अरे यार, मान लो यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है टेट्रासाइक्लिन है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट एम्पीसिलीन है, और मुझे उसके बाद इसके अंदर और भी दो चार चीजें चाहिए। मैं चाहती हूँ ई को R1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट हो, मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे साइट है, और यहाँ पर PVU1 की भी हो। तो जो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स है जिनके लिए मैं मेनली काम कर रही हूँ वो मेरे हो गए टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलीन, और यही मेरे बच्चे सिलेक्शन मार्कर्स हो गए। ठीक है, यही मेरे यहाँ पर सिलेक्शन मार्कर्स हो गए। उसी तरीके से मान लो मैं कोई ऐसा वेक्टर चाहती हूँ, कोई ऐसा वेक्टर चाहती हूँ जिसके पास कौन सा होता हूँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोई एंजाइम हो, मान लो लैक जेड हो। यहाँ पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या है लैक जेड के लिए कोई साइट हो। तो यहाँ पर अगर मैं एंजाइम के लिए कुछ चाहती हूँ लैक जेड के लिए, मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहती हूँ मैं, तो ये मेरा यहाँ पर मार्कर की तरह काम करेगा। ठीक है, मैं उनको बोल दूँ कि देखो भैया जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे बेटा गैलेक्टोसाइडेज वाला मार्कर वाला वेक्टर चाहिए, वो मुझे दे देंगे। तो ठीक है, इसके पास क्या क्या खास बात होनी चाहिए? पहली बात, ये रेप्लीकेट कर सके होस्ट सेल के अंदर। दूसरी बात क्या है, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लीकेट कर सके। दूसरी बात क्या है, इसके पास सिलेक्शन मार्कर्स होने चाहिए। तीसरी चीज, इसके पास यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी होने चाहिए। अब एंजाइम्स होंगे, कट करूंगी तभी तो जुड़ेगा ना। उसके बाद जो नॉन एसेंशियल डीएनए है वो मैं चाहती हूँ कम से कम हो। ठीक है, तभी तो मेरा काम जल्दी हो पाएगा। स्मॉल साइज हो, कॉपी नंबर ज्यादा बनाए, स्मॉल वेक्टर होगा हाई कॉपी नंबर होगा, लार्ज वेक्टर होगा लो कॉपी नंबर होगा। ठीक है, अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया कि आप ऐसे से वेक्टर सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कौन से वाला सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे जो स्मॉल वेक्टर है उसका कॉपी नंबर ज्यादा है, जो लार्ज वाला है उसका कॉपी नंबर कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्लोनिंग वेक्टर। अब मैंने आपको दो टाइप के वेक्टर बताए, क्लोनिंग वेक्टर और एक मैंने आपको कौन सा बताया एक्सप्रेशन वेक्टर। राइट, जो क्लोनिंग वेक्टर होता है बच्चे, ये आपका होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर जो है ये आपका होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट होने की काबिलियत रखता है। वहीं फिर एक्सप्रेशन वाला क्या कर सकता है, ये अपने जीन को एक्सप्रेस करने की काबिलियत रखता है। क्लोनिंग वेक्टर जो है नॉर्मली थोड़ा सा स्मॉल साइज का हमें चाहिए। हाँ, सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए पहली बात तो। दूसरा, थोड़ा सा स्मॉल साइज रखा जाता है और जनरली 10 KB से कम का साइज रखा जाता है। ठीक है, मैंने एक पेपर देखा था,
उसमें ये पूछा गया था, वेक्टर्स के एग्जांपल्स दिए गए थे जैसे प्लाज्मिड प्लाज्मिड ये सारी चीजें दी गई थी, और उसके बाद उसमें ये पूछा गया था कि इसको साइज के हिसाब से अरेंज करो। बच्चे साइज के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको अरेंज नहीं करवाऊंगी, मतलब साइज वाइज, क्योंकि इसकी एक पूरी टेबल है, टेबल के अंदर साइज लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ो, आप उससे कर लो। साइज याद होता है ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है तो ठीक है, नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होगा, दो चार नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन तो है करने के लिए। और जिनको याद हो जाता है, जिनकी लर्निंग पावर अच्छी हो, याद कर लेना, वो पता नहीं डीयू बीएचयू बोटनी में ही पूछा गया था वो भी। उसके बाद क्या है, इसे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, आइडियली लेस देन 10 KB साइज का होना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल है फिर प्योरिफिकेशन के टाइम पर ना उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एज लार्ज मॉलिक्यूल टेंड टू ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन, अच्छा प्योरिफिकेशन के टाइम पर वो टूट जाता है, वैसे भी टूटना ही है तो उससे हम पहले छोटा कर लें। उसके बाद इसके पास सिलेक्शन मार्कर्स होना चाहिए, ये कुछ खास बातें होंगी सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर के लिए। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए, जिन जिन को यूज किया जाता है, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज क्रोमोसोम्स। ये कुछ वेक्टर्स का एक छोटा सा नमूना है कि किस टाइप के यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर EcoR1 के लिए भी साइट है, HindIII के लिए, ये क्या साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, यानी कि आपका यहाँ से भी कट कर सकता है, 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 DEM-H1 भी आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट है और यहाँ से भी कट कर सकता है। ठीक है, ये आपका कहाँ कहाँ से कट कर सकता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखो दो टाइप की एंटीबायोटिक्स देखने को मिलेंगी, फर्स्ट आपकी है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, सेकेंड आपकी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला जो ये पूरा पार्ट है ये आपका टेट्रासाइक्लिन वाला है, और यहाँ पर जो पिंक वाला पार्ट है ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, कितनी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, जो आपका PBR-322 है ना बच्चे, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपका PBR-322 है, पहले ये ऐसा था, पहले इसके पास सिर्फ जैसे ये रहा इसका टेट्रासाइक्लिन वाला, और यहाँ पर इसका था ये वाला, क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन वाला था और इधर ये एम्पिसिलिन वाला मार्कर था। ठीक है, मार्कर मैंने आपको बताया, या तो आपके एंटीबायोटिक्स होंगी या फिर आपकी एंजाइम होंगी, और यहाँ पर देखो साइट कितनी कम है, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट्स बहुत कम है, बट ऊपर जाके देखो रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी ज्यादा है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है इसका PBR-322 का, जब ये स्टार्ट बना बना था तब ये कुछ इस टाइप से बना था, बाद में ही ऐसे। देखो क्या है ना, जो ये है जितनी भी ये बायोटेक्नोलॉजी की ये जो कंपनीज हैं, इनका कैसे काम चलता है, कैसा पैसा कमाते हैं, ऐसे ही तो कमाते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, इसके अंदर मान लो चार एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इसको आप कहीं भी डालोगे पर चारों से कट जाएगा, तो ये कोई ऐसा एंजाइम, तो इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने और इसको डेवलप किया, इन्होंने फिर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स वाला बनाया, आगे इन्होंने और डेवलप किया, फिर उन्होंने और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स वाला बनाया कि आप कहीं से भी कोई भी डाइजेस्ट कर ले तो उसका काम चल जाए। ठीक है, और मार्कर्स मान लो ज्यादा कर दिए, मतलब इस तरीके से मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया गया। ठीक है, क्लियर है ना, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे PUC-8 है, ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर एम्पिसलिन का नहीं है, यहाँ पर किसको सिलेक्शन मार्कर यूज किया गया, यहाँ पर ये देखो लैग-Z को सिलेक्शन मार्कर यूज किया गया है, एम्पिसलिन भी है बट मेन यहाँ पर किसको यूज किया गया, लेग सेट को, फिर आपका एम्पिसिलिन। अब देखो कोई ऐसा वेक्टर आ जाए जिसके जिसके अंदर सिलेक्शन मार्कर एंजाइम वाला भी हो और एंटीबायोटिक वाला भी हो, तो उसकी तो बल्ले बल्ले होगी ना उस इंसान की जिसने बनाया इसको, अब उससे ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो ऐसे से धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा, खरीदेंगे भी क्या और हमारे भी काम हो जाएगा, कि हमारा मान लो एक ही वेक्टर है, एक ही टाइप के वेक्टर ले आए बस, सब उससे काम चल जाएंगे, सारे एक्सपेरिमेंट में वही लगा देंगे। अब देखो जैसे लैग-Z है, लैग-Z वाला जो ये जीन है, इसके अंदर HindIII के लिए भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, PST1 के लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, EcoR1 के लिए भी है, तो ये जो है ये मेरा ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बातें बताई थी वही चीज मैंने यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन की है, रुको 2 मिनट, जो ऊपर बातें बताई थी वही यहाँ पर है, कि पहले मैंने लाइगेज भी डाल दिया है और जो मुझे जीन डालना है वो भी इंसर्ट कर दिया, और प्लाज्मिड भी है। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ हो, यानी वो मेरा रिसर्कुलराइज हो गया हो, ठीक है, यानी सेल्फ लाइगेट हो गया हो। सेकंड, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो बट कोई रिकॉम्बिनेंट ना बना हो, क्यों नहीं बना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया।
थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और करेक्ट डायरेक्शन में हुआ है, तो इसको मैंने बोल दिया हाँ भैया मेरा रिकॉम्बिनेंट तो यही है, ठीक है, करेक्ट डायरेक्शन में जो जीन इंसर्ट करना चाहती थी वो हो गया, और ऐसा हो सकता है वो आपस में ही फंस जाए, यही चीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ये रहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हमने ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद ये रहे आपके क्लीव्ड वेक्टर, वेक्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, वेक्टर को कट कर दिया, ये देखो यहाँ पर कट कर दिया, इसने कट लगा दिया, उसके बाद हमने जीन फ्रेगमेंट्स को डाल दिया, तो हो सकता है कुछ सेल्फ रिसर्कुलराइज हो गई, हो गए, और ये जो मैंने जो पिंक कलर से बना रखे हैं यहाँ पर जो है जीन हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये और उसके बाद ये आपका बैक्टीरियल सेल जो है यहाँ पर मतलब रिकॉम्बिनेंट के अंदर हमने इसको, फिर रिकॉम्बिनेंट को हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये आपका आता है अगार प्लेट, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, देन रेप्लिका प्लेटिंग, अभी तो काफी रहता है, उसके बाद एक्सप्रेशन वेक्टर की कुछ बातें, देन कुछ क्वेश्चंस है, अभी करना है या कल करना है आप लोगों को, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, एक बार आप लोग मैसेज करो, अभी करना है कंप्लीट या फिर कल करना है, अरे कुछ तो मैसेज करो, कुछ बच्चे तो चले गए, कल करना है, चलो ठीक है फिर, क्योंकि अभी काफी पोर्शन रहता है हमारा, फिर एक काम करते हैं हम, वैसे तो मैं ये जो क्वेश्चंस थे ये मैं आपको होमवर्क देने की सोच रही थी, पर कल अगर हमारी क्लास होती है तो ये कॉन्सेप्ट्स मेरे 1 घंटा तो ले ही लेंगे आराम से ना, हाँ 1 घंटा मेरा लग जाएगा, उसके बाद आधा घंटा हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 21 21 तक के हैं, 22 के मैं नहीं लेके आई हूँ, ठीक है, 22 के नहीं है, और सीयूटी के भी आपको 22 के नहीं मिलेंगे, जैसे जूलॉजी 2021 का है, 20 का है, जैसे जूलॉजी वाले आ गए, उसके बाद यहाँ पर बॉटनी वाले आ जाएंगे, ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं कल हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और 1 घंटा क्लास भी कर लेंगे, ठीक है, आप लोग कल रिवाइज करके आना, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बहुत सारे बच्चे तो चले ही गए, अच्छा आज आहाना भी आई है, विदुषी, अर्पिता, रितु शर्मा, आहाना, ठीक है चलो, मेरे को भी लग रहा है कि फिर ये ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए, आज जितना किया है ना बच्चे बस इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, चाहे इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना बार 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 बार, जितना किया आज इसको रिवाइज कर लो, बाकी का फिर हम कल कर लेंगे, वैसे तो मैं आज ही कंप्लीट करना चाहती थी बट कोई बात नहीं, काफी हद तक आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर ली है, बहुत ज्यादा कर ली है आपने, मतलब आपके क्वेश्चंस इससे भी हो जाएंगे अगर आप करोगे तो, मैं ये ऐसे का ऐसा पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है, आपके हो जाएंगे काफी हद तक, जैसे फर्स्ट ही देखो आपका सीडीएनए लाइब्रेरी क्या है, मैंने आपको बताई थी एमआरएनए से जब वो बनता है तो आपका मतलब उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बन रहा है वो आपका सीडीएनए होता है, तो कहाँ पर है ये, इधर देखो, इधर ये रहा ओनली कोडिंग सीक्वेंस कोरेस्पॉन्डिंग टू एमआरएनए, यहाँ पर देखो ये साइट है, ये ऐसा ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब एक एक लाइन में अभी नहीं बताऊंगी, आप कुछ क्वेश्चंस करोगे ना आपके हो जाएंगे, काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमने काफी हद तक आरडीटी कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा रह गया है, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, 80% आरडीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थोड़ा सा रह गया है बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आई थिंक ओवर हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं शाम को देखती हूँ, शाम को फ्री हो आप लोग, नहीं शाम को मैं डाइवर्सिटी की क्लास रखूंगी, मुझे फिर दूसरे बैच में रखनी है ना वो जो हमारा जूलॉजी वाला बैच चल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स की क्लास हम लोग कल ही करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।